नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के मसौढ़ी में, जहां पर पुलवामा हमले में शहीद हुए संजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे हैं पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव। आपको पता है आज दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, चारों ओर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उस वक्त पाटलिपुत्रा के सांसद अपने पूरे परिजनों के साथ, अपने पूरे परिवार वालों के साथ, उनके बेटे अभिमन्यु यादव मौजूद हैं, उनके सुपौत्र मौजूद हैं, और तस्वीरें सीधा आप देख रहे होंगे पटना के मसौढ़ी से, जहां पर वो पहुंचे हैं संजय कुमार सिन्हा के आवास पर। आज दिवाली का त्यौहार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गम छुपा हुआ है इन परिजनों के आँखों में, जो आप लगातार देख रहे होंगे। हम पहले इनसे बात करेंगे। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आपने अपनों को खो दिया है, त्यौहार है, यादें तो होंगी खट्टी मीठी कुछ? हाँ, हर साल पापा दिवाली में आते थे जी, इस बार कमियां खल रही हैं। देखिए, जो अपनों का दुख है वो लगातार आप देख रहे होंगे। आज दिवाली का त्यौहार है, उनकी माँ हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। माता जी, आपके सुपुत्र थे, हर साल दिवाली में आते थे घर मिलने के लिए? दिवाली में जरूर आवा, दिवाली में आते थे। देखिए, जो आंसू है वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भले ही आज त्यौहार हो, अपने घर में त्यौहार मना रहे हो, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अपने घर में छुप छुप कर रो रहे हैं। वजह है आतंकवाद। फिलहाल वो वजह हम आगे और देखेंगे, देश में उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इस वक्त पाटलिपुत्र के सांसद हैं जो मौजूद हैं अपने पूरे परिवार के साथ। आज दिवाली का दिन है, आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, इस घड़ी में क्या कहेंगे? बहादुर सैनिक संजय सिन्हा भी का जो परिवार है वो भी मेरा परिवार है। पुलवामा की घटना आज भी ताजा कर रही है हम लोगों को। फरवरी 14 को पुलवामा हमला में संजय सिन्हा शहादत दे दिए, और सचमुच पूरा देश आज उन पर नाच कर रहा है। हमारे शान थे, वो केवल इस परिवार के बेटे नहीं थे, भारत माता के संतान थे, भारत माता के बेटे थे। तो आज दीपावली है, हम सब लोगों ने एहसास किया, बेटा तो नहीं लौटा सकते मगर बेटा के रूप में आए हैं आज उनकी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए, इन सब लोगों को शुभकामना देने के लिए। आज भी इनके आँख के आंसू समाप्त नहीं हो सके, वो गम, वो दर्द, वो पीरा, न सिर्फ इनके आँख में आंसू है बल्कि न जाने देश के करोड़ों लोगों के आंख में आंसू हैं जो पुलवामा घटना में शहादत हो गए, उसमें संजय सिन्हा भी थे। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं संजय सिन्हा के चरणों में, और उन तमाम शहादत देने वाले जो आज भी हमारे जवान शहादत दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश की मजबूती के लिए, हम सब लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दिया, तभी तो हम आज चैन के नींद से सो रहे हैं। करोड़ों लोग आज चैन के नींद से सो रहे हैं, ऐसे जवान जिनकी शहादत के बल पर आज हम सब लोग चैन के नींद से सो रहे हैं। इसलिए आज मैंने तय किया कि संजय सिन्हा के परिवार जो कहीं ना कहीं आज मेरा वो परिवार जैसा है, आज मैं आया हूँ उनसे मुलाकात करने आए हैं, उन्हें शुभकामना देने आए हैं। दिवाली का समय है, छोटा बच्चा भी है। अच्छा बाबू कहाँ आए हैं? दादा के साथ आए हैं, दादा के साथ आए हैं गिफ्ट देने। देखिए, छोटा बच्चा भी है इस दुख की घड़ी में यहाँ पर मौजूद है, जो उनके परिजन हैं। अच्छा पिताजी तो आपके नहीं हैं सर, क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से अब माहौल है, आगे बढ़ना तो पड़ेगा ना? आगे तो बढ़ना ही है, धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि अब वो तो हमेशा के लिए है, लेकिन अब जीवन में आगे भी बढ़ना है तो। लेकिन त्यौहार में याद ज़्यादा आती है तो, आती है त्यौहार में। सांसद महोदय भी आ जाए? हाँ, तो ये आए हैं, उनका बहुत रेगुलर आते हैं। हाँ, हमेशा मिलते रहते हैं, इन लोगों का साथ है, साथ है। देखिए, बहुत सारी तकलीफें हैं, अभिमन्यु जी भी हैं। आज दिवाली का दिन है, पूरा पटना एक तरफ दिवाली में गुम है, आप अपने क्षेत्र में अपने पिताजी के साथ घूम रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के? देखिए, हम अपने पिताजी के साथ क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, हम भी अपने परिवार के बीच में ही आए हैं। जैसा कि शहीद जो हम लोगों के क्षेत्र के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के एक वीर सपूत थे संजय सिन्हा जी का, जो आतंकी हमले में जिस प्रकार से वो शहीद हुए थे,
उनको आज हम लोग हमेशा इसी प्रकार से हम लोग का प्रयास रहेगा जब तक हम लोग जीवित रहेंगे इस परिवार के बीच में, हर दिवाली, हर छठ और हर दशहरा में आने का प्रयास करेंगे। जब हुआ था ये हमला तो हम लोग दहल गए थे और सभी नौजवानों ने मिलकर भी इस परिवार को हम लोगों की तरफ से जो सहयोग हुआ था वो किए थे और आने वाले दिनों में भी जो सहयोग अपने छोटे भाई के लिए होगा, हमारी बहनों के लिए होगा, हम लोग मिलजुल कर इस परिवार को हमेशा अपने परिवार के रूप में देखते रहेंगे। संजय सिन्हा तो भले ही नहीं है लेकिन परिवार जो है वो उनके साथ खड़ा है, एक समाज पूरा उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है और उनकी कमियां तो खलती रहेंगी लेकिन उनके परिवार को जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है समाज का, उम्मीद है आने वाले समय में वो दुख थोड़ा हल्का हो पाएगा। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।